प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको वीडियोस तो प्रोवाइड कराता ही रहता हूं, जो भी अपडेट्स हमें पता चल पाती है, जो भी इंटरनल सोर्सेज या जहां से भी मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलती है, आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर आज कई सारे लोगों का सवाल आ रहा था, तो उसको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो, अमीन के कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि लोगों के बीच में उत्साह है कि कितना कट ऑफ जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखो भाई, कितना भी धांधली हो जाए, पूरा का पूरा सेट भी बिक जाएगा, फिर भी कोई भी कैंडिडेट 80% से ज़्यादा नंबर नहीं लाएगा। अगर पूरा का पूरा सीट बिक भी जाता है फिर भी, ठीक है, पूरा का पूरा सीट बिक भी जाएगा तो भी 80% से ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम दिमाग खोल कर रख लो, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब रही बात जो मुझे सूत्रों से पता चली है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि 50% जो सीट है वो धांधली पे बिक चुका है, है ना। कितना? 50% सीट जो है आपका बिक चुका है। अब जब 50% सीट बिक चुका है तो आपके पास कितना सीट फिर भी बचेगा? 8200 सीट है अमीन का, 8200 प्लस है, तो 8200 में अगर 50% करें तो फिर भी 4000 सीट आपके पास हैं जिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और एक चीज़ ध्यान रखो कि जो लोग सीट, मतलब सेटिंग से जा रहे हैं, है ना, या इलीगली जा रहे हैं, भाई लीगल तो वो है नहीं, पकड़े जाएंगे तो उनको सज़ा होगी, लेकिन अपना बिहार में कोई सज़ा नहीं होने वाला। आपको 2 से 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट भी डाला था राजस्थान सरकार के, कि भाई अगर आप नकल करते पकड़े गए, पेपर लीक करते पकड़े गए तो आपको उम्र कैद दी जाएगी, लेकिन अपना बिहार में वैसा भी 4-5 साल तक भूल जाओ कि वैसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस जो नौकरी है ना वो वोट बैंक है, जब इलेक्शन आए नौकरी देना स्टार्ट करो, लोग उत्साह होंगे कि नहीं, नौकरी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वोट देंगे, और उसके बाद 3 साल फिर सुतो, फिर जब इलेक्शन आना स्टार्ट होगा तो वैकेंसी निकाल दो, बीच में थोड़ा बहुत छुटपुट निकाल दो, लोग खुश रहेंगे। पहला रीज़न। दूसरा कि भाई यहाँ पे अपने बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, भाई यू हमारी जात क्या हो, मुकरे वोट देवो, चाहे वो काम करे या ना करे, डैट इज़ ट्रू यार। देखो, जब हम लोग नहीं बदलेंगे ना तब तक सरकार कहाँ से बदलेगी, हम लोग को अपनी सोच बदलनी होगी। लोग कहते हैं कि सेटिंग करवा के जा रहे हैं, अरे भाई उसको ऑफ़र मिल रहा है, अगर आपके पास भी पैसा होगा तो आप नहीं जाइएगा क्या? डेफिनेटली जाइएगा। तो भाई जिसके पास पैसा है, अथा पैसा है, पैसा की कमी ही नहीं है, वो करवा रहा है। अब भाई जो पेपर लीक कर रहा है ना, पहले तो उसको पकड़ो, या फिर जिसके पास पैसा है या तो उसको मना करो, जो पैसा देने वाला है वो देने में बंद कर दे, कोई पेपर लिख नहीं करे। भाई कोई तैयार होगा कि हाँ हमारा सेटिंग करो तभी तो होगा ना, ऐसा तो होगा ना, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ होना चाहिए तभी जो है ताली बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, ठीक है। तो आप लोग बोलते हो कि सेटिंग करवा रहा है, भाई तो सेटिंग करवा रहा है तो सेटिंग करने वाला और करवाने वाला दोनों भी तो अवेलेबल है, सिर्फ एक तो नहीं है, एक के पास पैसा है तो एक के पास मटेरियल है, दोनों आपस में मिल जा रहा है तो सेटिंग हो जा रहा है। खैर, हम उस चीज़ को लेकर यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो देखो, 4000 सीट है, फिर भी आपको पता है कि BSFC, है ना, BSFC का आपका एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, इसमें भी कई सारे सवाल उठाए गए कि धांधली हुई है, और ऑब्वियसली देखने को मिला है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है, ठीक है, हुआ है, सेंटर को ही खरीद लिया गया था। न्यूज़पेपर आप अगर पढ़ रहे होगे, मैंने उस पर वीडियोज़ भी बनाया था,
पूरा दानापुर में एक कोई सेंटर था, उसका पूरा सेंटर ही खरीद लिया था। सोच लो कि किस लेवल पे अपना बिहार में जो है होता है। तो फिर भी कट ऑफ अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम 78% गया है। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग कट ऑफ गए हैं, जिसमें सीट कम है उसमें 78%, और जिसमें सीट ज़्यादा है, जिसमें 252 सीट था इसमें 65% जो है कट ऑफ गया था जनरल का। ठीक, यानी इस हिसाब से अगर बात करें, हो सकता है इसमें क्वेश्चन लेवल अच्छा भी हो, मतलब थोड़ा टफ लेवल का हो। अपना मीन में थोड़ा उतना टफ नहीं था, कुछ शिफ्ट में टफ थे कुछ शिफ्ट में नहीं थे, तो नॉर्मलाइजेशन करके आ जाएगा। फिर भी सीट जो है 4000 है, अगर 4000 बिक भी गया है फिर भी 4000 सीट है, तो कट ऑफ इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो 60 से 65 के बीच में ही आपका कट ऑफ जाएगा। यानी 60 से 65 के बीच में जो लोग क्वेश्चंस अटेंड किए हैं उनका आराम से सिलेक्शन होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 60 से 65 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए विदाउट एनी एरर, बिना गलती के। यानी 60 से 65 अगर बात किया जाए तो 4 से गुना कर देंगे तो 240, अगर 240 के आसपास नंबर आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी वालों का। वही अगर ओबीसी कैटेगरी में बात किया जाए तो 50 से 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, यानी नंबर बात किया जाए तो आप उसमें 4 से गुना कर दो। एससी के लिए जो है 50 से 55 क्वेश्चन, एसटी के लिए भी 50 से 55, और ईडब्ल्यूएस का जो है ये 55 से 60 यहाँ पे है, लेकिन आप इसको भी जो है 50 से 55 ही ले लो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी ना एससी एसटी के लायक ही हैं, ओबीसी के लायक नहीं हैं। और पीडब्ल्यूडी का जो है 40 से 45, और फीमेल का आप मान लो, है ना, फीमेल का आप मान लो 50 से 55 फीमेल का भी मान लो। ठीक है, फीमेल का भी यही आपका जाने वाला है। अगर कितना भी धांधली हो जाए तो भी आपका यही कट ऑफ जाने वाला है, एकदम 100% मैं अपना एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा यार, क्योंकि सीट बल्क मात्रा में बहुत ज़्यादा सीट है। ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे, नहीं, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम ही एग्ज़ाम दिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं था, है ना। 8000 सीट पे लगभग 30-40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास एग्ज़ाम दिए हैं, यानी अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर मान कर चला जाए तो एक सीट पे लगभग 4 को से ही आपको फाइट करना है। और आपको 4 को से फाइट करने की ज़रूरत क्या है यार, आपको तो बस एक सीट चाहिए। 40 हज़ार अगर लोग फॉर्म भी भरे हैं उसमें तो आपको एक ही सीट चाहिए ना, आप अपना सीट सिक्योर करो, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके बारे में भूल जाओ ना। आपको कितना सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, बस एक सीट के लिए टेंशन लो कि भाई हमको कैसे भी किसी भी तरीके से एक सीट हमको चाहिए तो चाहिए, बाकी आगे जो हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे एक सीट चाहिए। तो आप अपना एक सीट के लिए मेहनत करो, ओके। बाकी अगर कोई और डाउट्स होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।